Good morning to all. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 12. The name of our chapter is Changing Tides from Standard 4 Subject Environment. So students, do you know that India got independent in 1947, 15 August 1947. At that time our country was passed into two countries. हमारी जो कंट्री थी इंडिया उसे दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया. वन इज इंडिया एंड अनदर वन इज पाकिस्तान. जब हमारी कंट्री का दो हिस्से किए उसे पार्टीशन किया हमारी कंट्री का तब उसे दो कंट्रीज में डिवाइड किया. फर्स्ट वन जो थी उसे इंडिया बोला गया और जो दूसरी कंट्री थी उसे पाकिस्तान का नाम दिया गया. आफ्टर दैट मैनी पीपल्स come from Pakistan to India, living their livelihood like wealth and so many things like their house, their fields, their work. वो सब वहाँ पे अपना काम, अपना घर, अपना खेत वगैरह सब छोड़ के इंडिया आ गए थे वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रहना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. तो at that time our government helped them to rehabilitate. रिहैबिलिटेट मीन्स फिर से रहने के लिए हेल्प की गवर्नमेंट ने हमारी, और गवर्नमेंट गेट सब्सिडी इन दैट, उसमें गवर्नमेंट को कामयाबी मिली. और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे टाइम चेंज हुआ. उस टाइम हमारा क्या कैसा टाइम था, क्या चीज़ें थी, कैसे घर थे, कैसे लोग थे, और अभी इस टाइम पे कैसे क्या चल रहा है, कैसे घर है लोगों. उस टाइम जब लोग थे वो कैसे रहते थे, अपने कच्चा घर था, उनके पास जॉब नहीं थी, एवरीवन यूज्ड टू वर्क इन फील्ड्स. ओके, आफ्टर दैट जो विलेजेस के लोग थे उन्होंने माइग्रेट किया कहाँ पे, सिटीज की तरफ, और वहाँ पे उन्होंने अपने लिए जॉब ढूंढी और वहाँ पे सेटल हो गए वो लोग. और फिर जो लोग बच्चे जो विलेजेस थे उन्होंने भी तरक्की की. उन लोगों ने क्या था, जो कच्चे घर में रहते थे उन्होंने पक्के घर बना लिए. जो सिटीज वगैरह थी वो पहले वहाँ पे सिंगल बिल्डिंग्स वगैरह थी, अभी मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स हो गई है. और बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे जॉब्स ढूंढ लिए. पहले इतने कंप्यूटर्स, इतने मोबाइल्स, 5G 4G वगैरह नहीं थे, अभी ये सब इंक्रीज हो गया है, सबने तरक्की कर ली है ना. तो यही सब है वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर चैप्टर. यही सब चीजें हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 92. ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 92 इन योर एनवायरनमेंट टेक्स्टबुक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स. माय नेम इज नीला भाई. हमें ये स्टोरी बताने वाले एक आदमी है, उस नेम इज नीला भाई. He is going to tell us a story, जो कि एक रियल स्टोरी है, और वो अपनी खुद की स्टोरी बताने वाले कि जब वो छोटे बच्चे थे तब क्या हुआ, उसके फादर ने कैसे उन्हें पाकिस्तान से इंडिया ले गया, और फिर क्या क्या उन लोगों ने किया, वो सब ये हमें स्टोरी में बताने वाले हैं. ओके, माय नेम इज नीला भाई. दिस इज एन ओल्ड स्टोरी. ये ओल्ड स्टोरी है. आई वॉज ए यंग चाइल्ड एट दैट टाइम ही वॉज young child. My father used to work as a land laborer in the field. उसके father क्या थे, किसी के खेत में जाके वहाँ पे land labor, मतलब जो वहाँ पे दाढ़ी, हम लोग जाते थे क्या बोलते हैं, दाढ़ी, वो दाढ़ी करते थे वहाँ जाके. Now I am spending retired life. और अब ये जो नीला भाई है वो retired life जी रहे हैं. retired life कब होते हैं, retired कोई इंसान कब होता है, 60 years के बाद. तो अब वो अपनी retired life जी रहे हैं, मतलब वो 60 years से अब हो, उसके वो 60 years से अब का है, हो सकता है 65 years का हो, 70 years का हो, कितने बहुत ज़्यादा एज हो गई है उसकी. I would like to share my experience of those days with you. जब वो छोटा सा एक छोटा बच्चा था नीला भाई, तब उस टाइम का एक्सपीरियंस वो आपको अपनी स्टोरी में बता देंगे. ओके, अ बिग मूव. आवर टॉपिक इज अ बिग मूव. दैट वाज अबाउट 70 इयर्स एगो. कब की बात है ये, 70 इयर्स एगो, 70 इयर्स पहले की बात है. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड. एट दैट टाइम नीला भाई वाज 10 इयर्स ओल्ड. ओके,
और उस टाइम उन लोगों को बहुत सफर करना पड़ा था, बहुत मुश्किल हुई थी। There was a lot of hustle bustle, मतलब बहुत उथल-पुथल था सब कुछ। I could not understand what was happening, उसे पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो गया, क्यों ये लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, क्यों एक इस कंट्री को छोड़ के उस कंट्री में जा रहे हैं, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। 10 years मतलब आपके जितने बच्चे को क्या पता चलेगा। One day father told us that we had to leave our village and move to another place. एक दिन उसके फादर उससे बोलते हैं that they have to leave their place. उन्हें अपना जगह छोड़ देना है and they have to move to another place. Okay? Now look at page number 93. I was sad to leave my village. उसे अपना विलेज छोड़ के जाने में दुख हो रहा था। आपको भी अपना घर वगैरह छोड़ के जाने को कोई बोले कि आप यहाँ ये सब छोड़ के दूसरे जगह पे जाके चले जाओ रहने लगो, तो आप लोगों को भी वहाँ पे जाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके सब घर है यहाँ पे, आपके खेत वगैरह है, तो गाँव में खेत वगैरह होंगे, वो सब छोड़ के जाने को कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा क्या। देखो उसके यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। We all moved with family members in Gulab Cart. उन्होंने Gulab Cart means बैलगाड़ी में मूव किया था। उस टाइम कार वगैरह नहीं थी और जो थी वो बहुत कम थी, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते थे उनके पास ही कार और व्हीकल्स दूसरे होते थे। That to snatch at the border. और वो उन्हें बॉर्डर तक लेके गया। Lastly we reached near धोलावरिया एट कच्छ। वो धोलावरिया विलेज जो कच्छ में है वहाँ पे पहुंचे। मैनी पीपल फ्रॉम अवर एरिया ऑल्सो मूव। और उस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आके रहने लगे थे। पीपल वर सेइंग दैट अवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और लोग उस टाइम ऐसे बोल रहे थे कि हमारी जो कंट्री है, पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, लेकिन फिर जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश से तब हमारे इंडिया के दो पार्ट हो गए, एक हो गया पाकिस्तान और दूसरा हो गया इंडिया। तो जो पाकिस्तान में कुछ लोग थे उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, उन्हें इंडिया भेज दिया गया। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इंडिया से पाकिस्तान में चले गए। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से इंडिया में, पाकिस्तान में जो हिंदू लोग थे वो लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए, और जो इंडिया में मुस्लिम लोग थे वो सब तो नहीं लेकिन बहुत कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि मुस्लिम लोग को उन लोगों का अलग कंट्री बने, तो इसलिए इंडिया को डिवाइड किया गया था। तो बहुत सारे मुस्लिम लोग जो थे वो पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू लोग जो थे वो इंडिया आ गए। फॉर सम टाइम्स वी ऑल स्टेड इन कैंप इन अ बिग टेंट दैट वाज पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड ऑफ धोलावरिया। कुछ टाइम तक जब वो लोग वहाँ से यहाँ पे आए तो उनके पास कोई यहाँ पे ना जगह होगी, ना कुछ खाने पीने को होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो लोग रहेंगे कहाँ। तब गवर्नमेंट ने वहाँ पे टेंट कैंप बनाया था जहाँ पे वो लोग कुछ दिनों तक वहाँ पे रह सकते थे। उनको वहाँ पे रखा गया था और वहाँ पे उन्हें सब फैसिलिटीज वगैरह दी गई। A new home. Our next topic is a new home. One day father told us that we had been given some land in Kharchadiya village, जो कि जय राम नगर है, ठीक है। वहाँ पे उन्हें एक विलेज में उन्हें एक जगह दी, एक लैंड दिया गवर्नमेंट ने। He said that we could build our house there. और वहाँ पे गवर्नमेंट ने उन्हें वो जगह दी, वो प्लेस दिया, वो लैंड दिया और बोला कि आप यहाँ पे अपना घर बना सकते हो। I was very happy. तब वो बहुत खुश हो गए। Father and mother worked hard to build the house. तब उसके फादर ने और मदर ने मिलकर वो घर बनाया बहुत मेहनत से। अभी क्या होता है, अगर किसी को घर बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं? जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, उन्हें आप लोग बोल देते हैं और वो अपने वर्कर्स को ला के काम चालू कर देते हैं। पर उस टाइम पे इसके मम्मा और पापा ने मिल के वो घर बनाया। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, और ये चिल्ड्रंस ने भी उनकी हेल्प की। फादर डग द सॉइल एंड वी क्विकली फील्ड द पैंस एंड पास्ड ऑन टू द मदर। तब क्या करते, उसके पापा जो थे वो मिट्टी खोदते थे और वो जो है टब टब भर के अपनी मम्मा को पास करते थे। उस टाइम
वगैरह यूज करते थे, ये सब यूज करके घर बनाए जाते थे। अब टेन चेंज हो चुका है, अब कैसे घर बनते हैं, आयरन, सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, टाइल्स वगैरह यूज करके, आयरन रॉड, ये सब यूज करके घर बनाए जाते हैं ना। लेकिन पहले ऐसे नहीं थे, पहले कच्चा हाउस होता था जिसमें लकड़ी, मॉड, सैंड, ये सब यूज किया जाता था। सिस्टर एंड मदर मिक्स्ड हस्क इन इट, और उसकी मम्मी और उसकी जो सिस्टर थी वो उसमें हस्क मिक्स कर देते हैं। हस्क मीन्स छोटा छोटा भूसा। फादर कंस्ट्रक्टेड द वॉल, और उसके फादर जो थे उन्होंने एक वॉल कंस्ट्रक्ट की। वी गॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस, और देखो वहाँ पे उन्होंने काउ डंग यूज किया जो उन्होंने आजू बाजू से लेके आते थे। मदर मिक्स इट विद द मड एंड कोटेड द क्लोथ, फिर उन्होंने क्या किया उसे मड से मिक्स किया और नीचे जहाँ पे हम अभी टाइल्स लगाते हैं वहां पे उन्होंने वो पोत किया, जिसे हम अभी क्या बोलते हैं, गार बोलते थे जिसे हम। वो पहले के जमाने में ऐसी टाइल्स नहीं होती थी, वहां पे गार करते थे वो लोग। सी यूज टू से कोटिंग फ्लो बाय, सी यूज टू से कोटिंग फ्लो बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे, और उससे क्या होता था कि जो कीड़े मकोड़े होते थे वो नहीं आते थे, उनको दूर रखता था ये। नाउ इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब उन्होंने अपनी वॉल्स बना ली, नीचे फ्लोर बना लिया, अब क्या टाइम था, अब टाइम था कि वो अपना रूफ ऊपर का छत बनाए। फादर मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग द ब्रांचेस ऑफ नीम ट्री एंड बैम्बू, उसके फादर ने क्या किया एक फ्रेम बनाई और किसकी, नीम ट्री और बैम्बू की, और वी पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन द एंड कवर्ड देम विद मड, और फिर उसके ऊपर उन्होंने गनी बैग मींस बोरे वो डाले और उसको मड से कवर कर दिए। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक अवर्स, और उनके आजू बाजू में जो घर बने थे वो भी ऐसे ही बनाए हुए थे। इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, आई लाइक इट द मोस्ट, जैसे उनका पुराना घर था वैसा ही ये घर बनाया था और ये उसे बहुत पसंद आया था। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक अवर्स, इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, आई लाइक द मोस्ट, जैसे आजू बाजू के घर थे वैसे इनका घर था और उसे ये घर बहुत पसंद आया था। Okay, now some question answers are there. Find out and write. Talk to any one of the elderly person of village. आपको क्या करना है village में, कोई जो बूढ़े लोग हो उनसे बात करनी है। अगर आपके grandparents आपके साथ रहते हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हो और अपने मामा पापा से भी पूछ सकते हो। Visit him or her and find out when. See or he was 8 and 9 years old. और उनसे पूछना है कि जब आप 8 या 9 years के old थे तब क्या था? What were his or her experiences and life then? उनका experience जब वो वहाँ जहाँ पे रहते थे तब वो उनके घर कैसे थे, किससे बने हुए थे और कैसे वो लोग रहते थे, क्या काम करते थे, क्या खाते थे, वो सब आपको उनसे पूछना है। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड सी और ही लिव, नेम दैट प्लेस, वो कहाँ पे रहते थे वो आपको लिखना है, और कौन सा विलेज है क्या है वो आपको लिखना है। ओके, मैं यहाँ पे खाली जनरल आंसर लिख रही हूँ, विलेज का नाम आपको खुद लिखना है। ओके, दे लिव एट कच्चा हाउस एट नेस विलेज। नेक्स्ट, फ्रॉम व्हाट मटेरियल वाज हर और हिज हाउस मेड, उस टाइम पे उनका घर कैसा था, किससे बना हुआ था। अब कच्चा घर है तो किससे बना हुआ, हमने अभी पढ़ा हस्क है, फिर गनी बैग्स है, सैंड है, काउ डंग्स है, बेम्बू स्टिक्स है, ये सब यूज करके उस टाइम पे घर बनाए जाते थे, तो वो सब आपको लिखना है। Their house was made up of
bamboos, cream trees, husk, cultivates, okay? ये सब यूज करके उनके घर बनते थे उस टाइम के लिए. नेक्स्ट, डिड दे हैव टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ नो वेयर वाज इट. क्या उस टाइम पे उनके घर में टॉयलेट्स थे? जैसे आपके घर में अभी टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटीज है, तो क्या उस टाइम पे उनके घर में फैसिलिटीज थी इस टाइप की? देखो ये सब क्वेश्चन आपको पूछ के क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम पे उसके घर कैसे थे और अभी टाइम कैसे चेंज हो गया. पहले लोगों के घर कच्चे होते थे, अभी लोगों ने अपने घर पक्के बना लिए हैं. फिर क्या बोलते हैं, वहां पर टॉयलेट्स वगैरह नहीं थे उनके घर पे. अभी आप लोगों के घर घर में टॉयलेट्स है. पहले वो लोग बाहर जाके टॉयलेट करने के लिए बाहर जाते थे, खेत में जाते थे, जंगल में जाते थे. लेकिन अभी घर में टॉयलेट वगैरह है, घर में पानी आता है. उस टाइम पे घर में पानी भी नहीं आता था, तो ये कितना चेंज हो गया है. हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं. ओके, तो क्या उनके घर में उस टाइम पे टॉयलेट्स थे? तो आंसर इज नो. तो वो लोग कहाँ पे जाते थे वो आपको लिखना है. तो वो लोग खेत में या फिर जंगल में जाते थे. नो, दे वेंट टू fields and or forest. Okay. Next, in which part of the house food was cooked? उस time food जो था वो कौन से घर के कौन से part में बनाया जाता था? उस time ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि अपना kitchen जो अभी हमारे घर में kitchen जो है वो अलग जगह पे होता है. किचन अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, हॉल अलग है. लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था. उस टाइम सब लोग जमा होके एक ही रूम में रहते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा दो रूम होते थे. तो उस टाइम खाना कहाँ पे बनाया जाता था? जो खाना था वो घर के बाहर एक छोटी सी जगह में बनाया जाता था. ओके, changes in the house. Look at page number 95. Our next topic is changes in the house. Time passed quickly. बहुत जल्दी जल्दी समय बीतते गए. अब वो धीरे धीरे जो नीलम भाई है वो बड़े हो गए. We worked hard and settled. उन्होंने वहाँ पे बहुत मेहनत वगैरह करके वहाँ पे सेटल हो गए, वहाँ पे रहने लगे. Mother and father went
देखो पहले वो सब साथ में बैठ के एक ही रूम में खाना बनाते थे और वहीं पे रहते थे, लेकिन अब नीला भाई इस थिंकिंग के एक और रूम बना दिया जाए शादी से पहले। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज वर यूजिंग सीमेंट। उस टाइम जो सिटीज में लोग रहते थे वो सीमेंट यूज करते थे, विलेजेस में जो लोग रहते थे वो सीमेंट यूज नहीं करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्ग, और सीमेंट की वजह से हाउस स्ट्रॉन्ग बनता है वैसा बोलते थे वो लोग फॉर सिटीज वाले। वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज सीमेंट, और तब उन्होंने सोचा कि हम ये सीमेंट यूज करते हैं। पहले किससे घर बनाया था उन्होंने, मड को यूज करके। अब टाइम चेंज हो चुका है, अब वो बड़े हो गए हैं, तो क्या हुआ कि अब जो है वो सीमेंट से घर बनाने के लिए सोच रहे। वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ न्यू रूम। तो अब उन्होंने सीमेंट सैंड आयरन टॉर्च वगैरह यूज करके एक न्यू घर बनाया जिसके रूफ में ये सब यूज किया था। ऑन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स जिसे बोलते हैं पेड़ा वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। उस टाइम पे जो बेला होते थे वो यूज होते थे, अनमेकर सीमेंट बोलते हैं जिसे। वी मेक द वॉल्स विद देम, और उन्होंने वॉल्स उससे बनाई। विद द यूज ऑफ ब्रिक्स वाज बेनिफिशियल, और ब्रिक्स से जो घर बनाते थे वो फायदेमंद होता था। नाउ वी डू नॉट नीड टू पॉट द वॉल्स। पहले हम क्या करते थे कि उसमें भूसा हस्क वगैरह डाल के, भूसा डाल के जो उनकी दीवार थी उसे कोट करते थे, गार करते थे, गुजराती में गार बोलते वो करते थे। लेकिन अभी जो है उन्हें ब्रिक से घर बना लेते, तो अब उन्हें उसे कोट करने की जरूरत नहीं थी। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कॉर्टियर, और उन्होंने कॉर्टियर में एक छोटा सा किचन भी बनाया। पहले वो लोग एक ही रूम में सब कुछ करते थे, लेकिन अब उन्होंने किचन बनाई। द किचन हैड अ वुड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल। किचन में क्या किया उन्होंने, एक मिट्टी का चूल्हा था। पहले गैस नहीं होते थे, पहले किसमें खाना बनाते थे, चूल्हे में। तो पहले उन्होंने एक चूल्हा रखा और वहाँ पे थोड़ी सी जगह रखी जहाँ पे वो बर्तन वगैरह रख सके। बर्तन को क्या बोलते हैं, वेसल्स। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ केम टू आवर न्यू हाउस। तब फिर उसकी शादी हो गई और उसकी वाइफ जो थी वो उनके न्यू घर में आई। टू कुक शी यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, और खाना बनाने के लिए वो क्या करती थी, नीचे जमीन में बैठती थी और खाना बनाती थी। अभी आपकी मम्मा कैसे खाना बनाती है, खड़े खड़े खाना बनाती है ना, और किसमें बनाती है, गैस पे बनाती है। उस टाइम क्या यूज होता था, चूल्हा यूज होता था। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर, इट वॉज हैप्पी। और सब लोग वहाँ पे किचन में मैट डाल के बैठ जाते थे जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग साथ में खाना खाते थे। Some people used to go out to field for toilet in those days. और उस टाइम लोग जो थे वो खेत में जाके टॉयलेट करते थे। Some of the houses had separate place for this. और धीरे धीरे उस टाइम पे बहुत से लोग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनके घर में टॉयलेट बन गए थे, लेकिन सबके घर में टॉयलेट्स नहीं थे। We also made a small toilet with unbaked brick behind the house. फिर धीरे धीरे उन्होंने भी अपने घर के पीछे एक टॉयलेट बना दिया। मोर चेंजेस। माय सेवन सन्स एंड डॉटर्स वर बोर्न इन दैट हाउस। उसके कितने सन्स थे, सेवन सन थे और एक डॉटर थी, इतने बच्चे थे उसके। टाइम पास, और धीरे धीरे वो बड़े होने लगे, टाइम गुजरने लगा। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली। 20 इयर्स एगो आवर डॉट जामी गॉट मैरिड एंड मूव टू लफू विलेज। उनकी जो डॉटर्स थी 20, अभी से 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो डॉटर थी उसकी शादी हो गई और वो लफू विलेज में उसके शादी हुई, इसलिए वो वहाँ पर रहने चली गई। When my son Lakha got married, we felt that we should get the house ready for the new bride. जब उसके बेटे लाखा जो था उसकी शादी करने वाले थे, तब उन्होंने फिर से सोचा कि हमें एक न्यू घर बनाना चाहिए। जब नीला भाई की शादी हुई तब उन्होंने भी सोचा कि हम एक रूम बनाते हैं और उसे अपने घर को फिर से नया जैसा करें। वैसे इसने भी सोची, इसने फिर से सोचा कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, लाखा बड़ा हो गया, उसकी पत्नी आएगी, उसे रहने के लिए ही घर चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि हम फिर से नया घर बनाते हैं। बाय देन एवरीवन वाज
जो लाल कलर की होती है ना, वो ईटे यूज करना शुरू कर दिया था सबने। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड इंस्टेड ऑफ बैम्बू एंड वुड टाइल्स वी यूज आयरन क्विल ग्रेवल एंड सीमेंट फॉर स्ट्रॉन्ग रूफ। और बैम्बू के रूफ की जगह पर उन्होंने क्या किया, आयरन रॉड्स ग्रिल देव और सीमेंट को यूज करके छत बनाया। और जो दीवार की वॉल्स थी वो किसकी बनाई, वो उन्होंने ब्रिक्स की बनाई, बेकर ब्रिक्स की। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू मेक अवे द वेस्ट। और उन्होंने पाइप्स में जो एक टॉयलेट में पाइप्स वगैरह डाले जिससे कि जो वेस्ट है वो फ्लश आउट हो जाए। द किचन वॉज मेड बिगर। अब जो उनका किचन था वो भी बड़ा बना दिया था। नाउ लाखा वाइफ वाज यूजिंग मड चूल्हा देयर बिकॉज़ शी इज कुकिंग ऑन गैस स्टोव। अब जो लाखा की पत्नी आई थी, नीला भाई की पत्नी किसको बनाती थी, चूल्हे। अब ये लाखा की पत्नी आई है, वो चूल्हे में कभी कभी खाना बनाती थी, ज्यादातर खाना किस में बनाती थी, गैस में। देखो कितना टाइम चेंज हो गया, कितना टाइम चेंज हो गया। सीइंग दिस सीइंग न्यू थिंग्स, अब नई चीजें देखते हैं, ये हमारा न्यू टॉपिक है। माई ग्रैंडसन इज नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बिल्ड इन हिज न्यू हाउस। अब उसका ग्रैंडचाइल्ड मींस लाखा का बेटा, वो एक अलग जगह पे रहता है, इन लोगों से अलग रह रहा है, अब वो उनके साथ नहीं रहता है। पहला टाइम कैसा था, पहले के लोग सब लोग फैमिली के जितने भी लोग होते थे सब एक ही साथ रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब लोगों के यहाँ पे शादी वगैरह होती है और वो अपना एक नया घर बना लेते हैं तो वहाँ पे रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में लोग सब लोग साथ ही रहते थे। ही हैज टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी, और वो खरीदी वगैरह करने के लिए सिटी में जाता था। द बिल्डिंग्स वर वेरी ह्यूज, और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। मैनी काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज आर फाउंड देयर, और वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह भी होती थी। ही इज द सन ऑफ न्यू जनरेशन, अब वो न्यू जनरेशन का बेटा था। He built house with the facilities like toilet, kitchen, etc. which we find difficult to build up. उन्होंने टॉयलेट, किचन और रूम्स के अलग अलग पार्ट वाला घर बनाया जो ये लोग बनाने के लिए डिफिकल्टीज फेस करते थे। Few years ago, Lakha renovated the toilet and bathroom. और थोड़े साल पहले जो लाखा था, कौन था, नीला भाई का बेटा, उसने भी अपने टॉयलेट बाथरूम को रिनोवेट किया, मीन्स फिर से अच्छे नए तरीके से बनाया। He used color tiles in his bathroom. पहले वो लोग ने टाइल्स वगैरह नहीं लगे थे, अब जब उसने रिनोवेशन किया तो वहाँ पे टाइल्स वगैरह भी लगा दी। Imagine spending so much money for a place to have a bath. सोचो हम कितना खर्चा करते हैं सिर्फ ऐसी एक जगह के लिए जहाँ पे हमें सिर्फ नहाना ही है। I am now 18 years old. देखो वो कितने years का हो गया, 18 years old. और ये स्टोरी हमें वो कब से बता रहा था, जब वो 10 इयर्स का था। इन दिस इयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, और इन 70 इयर्स में उसने बहुत सारे चेंजेस देखे जो उसने हमें इस चैप्टर में बताए कि पहले के घर कैसे होते थे, किससे बनते थे। फिर जब नीला भाई की शादी हुई तब उन्होंने बेक्ड अनबेक्ड मतलब कि बेला वगैरह यूज करके घर बनाया। फिर जब उसकी बेटी की शादी हुई तब उन्होंने ब्रिक्स यूज करके घर बनाया, और जब उसके भी बेटे की शादी हुई तब उसने सिटी में अपना घर बनाया जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह थी। आई डोंट नो वेयर माय ग्रैंडचिल्ड्रन विल वांट टू लिव एंड देयर हाउ देयर हाउस विल बी, और अभी उसे पता नहीं है कि और जो उसके ग्रैंडचिल्ड्रन होंगे वो कहाँ पे रहना चाहेंगे और उनका घर वगैरह कैसा होगा। व्हाट आर द हाउसेस लाइक अलियर टाडो टैंडो विलेज पूरे, और आजकल के जो अलिया टैंडो विलेज है वहाँ पे कहाँ पे, जहाँ पे वो पहले रहते थे पाकिस्तान में, वहाँ पे इस टाइम पे कैसे घर होते होंगे वो उसे नहीं पता है। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट वे वुड माई ऑल फ्रेंड्स बी नाउ, और ये वो ये भी सोचता है कि उस टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो इस टाइम पे कहाँ होंगे, कैसे रहते होंगे, उनका घर वगैरह कैसा होगा। ओके, नाउ दैट इज इनफ फॉर टुडे।